बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को CIT थर्ड ईयर के ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में और इसके साथ ही यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। मैं आपका टीचर नदीम आबिद, आपको CIT थर्ड ईयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ाऊँगा और पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रोफेशनली इस कोर्स में आपको सिखाऊँगा। इस कोर्स में हमने चार इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लर्निंग स्टेज पे हैं। इसमें सबसे पहले अडोब फोटोशॉप, उसके बाद कोरल ड्रॉ, ऑटो कैड एंड विलकम। इनफैक्ट एक एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर है जो कि जना वो आपकी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग के लिए, कपड़े पे कढ़ाई के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। स्क्रीन पर इन सॉफ्टवेयर के इमेजेस और आइकन्स को देख सकते हैं और आप इनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस कोर्स में आप अमली प्रैक्टिस और मालूमात हासिल होगी। इस कोर्स में ग्राफिक्स लेयर्स के इस्तेमाल के तमाम टूल शामिल हैं। इस कोर्स के अख्ताम पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं स्टूडेंट से तवक्कु रखता हूं कि वो इस काबिल होंगे, वो किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकें, कढ़ाई की सनत के डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के बुनियादी सवरात को समझ सकें। कैरियर के अगले मरहले में जाने के लिए जो भी टूल सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड हैं वो टूल सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकें। अपने कारोबार को शुरू करना, बढ़ाना और इससे बढ़कर अपने कारोबार के लिए एक ब्रांड को खुद से तैयार करना, फॉन्ट और कागज से बढ़कर वसी तर अंदाज में डिजाइन बनाने के बारे में सीखना, कंप्यूटर और विजुअल दोनों तरह के, विजुअली एक होता है कि आप डिफरेंट देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकली आप कुछ प्रिंटेड मीडिया में आप चीज़ों को देखते हैं, उन तमाम फनून को आप सीख सकें और इस तमाम महारत को हासिल करते हुए ग्राफिक डिज़ाइनर की हैसियत से आप बेहतर से बेहतर अंदाज में किसी भी जना वो फोरम पे आप मुलाजमत हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और ज़्यादा तजर्बा और ज़्यादा सीखने की आपके में जना वो ये एक क्वालिटी पैदा हो जाए इस कोर्स के बाद कि आप बहुत से ग्राफिक डिज़ाइनिंग नॉट लिमिटेड फॉर जस्ट 3-4 सॉफ्टवेयर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वास्ट एंड देर आर हंड्रेड ऑफ अदर सॉफ्टवेयर दोज आर यूजिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आप सारे कोर्स सीख सकें। कोर्स के मुख्तसर तारफ़ के बाद मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। ये तो कोर्स है जो इसके बारे में मैं बताया है कि हमारे कोर्स में हम ये टूल पढ़ेंगे, लेकिन इनफैक्ट व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कम्युनिकेशन डिज़ाइन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, बेसिकली विजुअल के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, विजुअली आप कम्युनिकेट हो रहे होते हैं लोगों से कि आप एक जना जैसे एक किसी कंपनी का ब्रांड है, आप वो ब्रांड सेल्फ एक पहचान होती है और जब भी वो ब्रांड किसी के सामने आता है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फलां कंपनी है, फलां कंपनी की फलां प्रोडक्ट है। ठीक है, विजुअल और कंटेंट के साथ साथ आप ख्यालात और तजर्बात की मनसबंदी और पेश करने का फन और अमल आपको असल हो, ये जो शक्ल लेता है इसको वर्चुअल भी हो सकती है और ये फिजिकली भी हो सकती है, वर्चुअल एंड फिजिकल भी हो सकती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। और इसके साथ तस्वीर, अल्फाज या ग्राफिक्स शामिल हो सकते हैं। तजर्बा फौरी तौर पर भी और तवील भी हो सकता है। एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए ये काम एक डॉक टिकट से लेकर एक डॉक टिकट डिज़ाइन करना या एक नेशनल साइनेज सिस्टम डिज़ाइन करना भी हो सकता है। ग्राफिक के एक मशहूर डिज़ाइनर पाब्लो पिकासो, जो कि 1973 में फौत हुए हैं,
ये इटालियन ग्राफिक डिजाइनर थे जिनका एक मशहूर कोल है कि एवरी चाइल्ड इज अ ग्राफिक डिजाइनर, एवरी चाइल्ड इज अ ग्राफिक डिजाइनर। और मुझे यकीन है कि आपकी क्लास में भी बहुत से ग्राफिक डिजाइनर एंड आर्टिस्ट छुपे बैठे हैं, बस हमें इन्हें एक्सप्लोर करना है और उनको सामने लाना है और उनकी तहकीकी सलाहियतों को बुरकार लाना है और इनको ऑनलाइन फोरम पे या नेशनल लेवल पे जना वो एक रिप्रेजेंटेशन हो कि वो अपनी ग्राफिक्स की सलाहियतों को बुरकार लाते हुए उनको कौम की खिदमत करें और मुल्क का नाम रोशन करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग चंद लोगों के लिए भी की जा सकती है, जैसा कि एक बंद या महदूद लेवल पे किसी जना वो किताब की डिज़ाइनिंग या किसी जना वो नमाइश का डिज़ाइन करना लाखों लोगों के लिए भी की जा सकती है, जैसे किसी बैन अलावामी न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपकी वो सलाहियत, वो काम करने का अंदाज़, आप जना यहाँ वो ज़रा है जब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जना मैगज़ीन पे आपने काम किया या न्यूज़पेपर के साथ काम किया तो वो लाखों लोग देखेंगे इंटरनेशनली दुनिया के। जैसे आपके मिसाल देता हूँ कि आप बीबीसी के साथ काम करते हैं, बीबीसी की एक जना वो न्यूज़पेपर है उसके साथ काम करते हैं, या इंटरनेट पे आप जना वो बीबीसी की साइट डिज़ाइनिंग के लिए आपको कोई टास्क मिलता है तो आपका वो काम, वो फन, वो महारत दुनिया के पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। ये किसी भी मकसद के लिए हो सकता है, चाहे वो तजारती हो, तलीमी हो, सकाफती हो या सियासी हो। एक लम्बे में तजर्बा करने वाला डिज़ाइन पहचानना आसान होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर पोस्टर्स, इश्तहारात, फिर पिक्चर्स और दिगर प्रिंटिंग मवाद के साथ साथ अखबारात और मैगजीन के लिए मालूमाती विजुअल्स या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का बंदोबस्त करते हैं और इसके लिए वो इंटरनेशनली अपनी एक जना वो साख जो होती है वो बना पाते हैं। आज भी बहुत से इंटरनेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं लोकली भी जो कि अपने फंड की वजह से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये इंट्रोडक्शन आपको, उसके बाद हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा थिंकिंग ऑफ डिज़ाइन और डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, उस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमने कैसे सेलेक्ट करना है कि हमें डिज़ाइन कैसा बनाना चाहिए, डिज़ाइन में क्या कुछ करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।